वीडियो। वाह, पहली बार मैं i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के म्यूजिक सिस्टम पे देखिए वीडियोस चेक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। इतनी क्लियरिटी भी कितनी है, साफ आ रही है और कितना स्मूथ जो है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कार दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। ये है मेरा दोस्त शुभम। और दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से आप अपने गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पे यूट्यूब वीडियो चला सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है, कल मैं इसकी गाड़ी में बैठा हुआ था और ये पता नहीं कहाँ से सीख आया है कि किसी भी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पे जिसमें भी टच स्क्रीन लगा हो उसमें आप बजा सकते हैं कोई भी YouTube के गाने या फिर आप देख सकते हैं YouTube के वीडियोस। तो चलिए जरा समझते हैं इससे कि कैसे इसने आखिर ये कारनामा किया है, आपके साथ मैं भी सीखूंगा। हाँ शुभम बताओ कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको जो लिंक दिया है इसको ओपन करना है, नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, आपको इसमें क्लिक करना है। यानी एक कोई एप्लीकेशन है जो हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे यानी स्मार्टफोन पे इंस्टॉल करनी है। जी, तो ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ एंड्रॉइड फ़ोन्स के लिए है कि एप्पल पे भी वर्क करेगी? ये अभी एंड्रॉइड ऑटो पे एंड्रॉइड पे ही काम कर रही है, ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे ही काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, यानी प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी? प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, लिंक के थ्रू आपको ओपन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लिंक से जिससे इंस्टॉल कर रहे हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप जाके सेम प्रोसेस से अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कार ट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, ये पहली एप्लीकेशन है, आपको उसको डाउनलोड करना है। इंस्टॉल, सेटिंग में जाकर इसको परमिशन देना होगा। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है कार ट्यूब कंट्रोलर। ठीक है, जो उसी के नीचे लिखी हुई है। जी हाँ, फिर आपको पूरा वापस आना होगा, आपको फ़ोन कनेक्ट करना होगा अपने एंड्रॉइड सिस्टम पे जो आपका म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है गाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं इस समय आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ ये हुंडई की i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट है जिसमें ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। तो अगर आप कोई भी कंपनी की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं जिसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो आप सेम प्रोसेस इसमें अपना सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मेरा एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ के थ्रू। अच्छा, ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू चलेगी? जी। तो फिर एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है, हमारा पास वह गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा हो जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्लीकेशन सपोर्ट करती हो। जी हाँ, एंड्रॉइड ऑटो मैंने ओपन किया, ये देखिए कार ट्यूब आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, आपके फ़ोन में नेट ऑन होना चाहिए कंटिन्यू। ठीक है, यानी हमें प्रोसेस वही वाला अपनाना है जैसे एक एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करना है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। तो अगर आपके फ़ोन पे यानी सॉरी अगर आपके म्यूजिक सिस्टम पे जो है एंड्रॉइड ऑटो चाहे वायरलेस कनेक्ट करता हो, जैसे कि देखिए i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में वायरलेस है तो कोई भी यहाँ पे वायर वगैरह को कनेक्ट नहीं किया है। इनकेस अगर आपका गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें वायर्ड हो यानी अगर थ्रू वायर के भी कनेक्शन लेता है तो भी आपके लिए प्रोसेस सेम है, बस उसमें आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है, ड्राइव केयरफुली एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द रोड व्यू इन द स्क्रीन व्हाइल द व्हीकल इज रनिंग कुड कॉज सीरियस एक्सीडेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप ड्राइव करते समय कोई भी वीडियोस देखते हैं तो वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, तो मेरा ये प्रोसेस कहीं से आपको लिए सपोर्ट नहीं करता है कि आप गाड़ी को चलाते समय वीडियोस को देखें। खड़ी गाड़ी पे वीडियोस देखिए और इंजॉय करिए और कभी भी जो है चलती गाड़ी पे कोई भी वीडियोस वगैरह को प्ले मत करिएगा, सेम वार्निंग भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको आपको कन्फर्म करना है, ये देखिए आपका वीडियो जो है जितने भी, पहली बार मैं i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के म्यूजिक सिस्टम पे देखिए वीडियोस चेक कर रहा हूँ और देखिए कितनी क्लियरिटी भी कितनी है, साफ आ रही है और कितना स्मूथ जो है इसमें। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल में कर रहा हूँ, यहाँ से सर्च कर लेते हैं, आप अपना ही चैनल करिए। चलो मैं जरा अपना चैनल को सर्च करता हूँ, कार दुनिया, ये आ गया मैं। और ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे सारे वीडियोस यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको अगर कुछ भी YouTube पे देखना है कोई भी कंटेंट चेक करना है तो यहाँ पे आप इसमें प्ले कर सकते हैं। और देखिए आपने भी पहली बार देखा होगा दोस्तों, मैंने भी पहली बार इसमें चेक कर रहा हूँ कि i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट पे देखिए YouTube वीडियोस प्ले हो रहे हैं। और ये सिर्फ i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट पे प्ले नहीं होंगे, आप कोई भी कंपनी की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको इंस्टॉल करना है पहले तो अपने फ़ोन पे एक एप्लीकेशन जो शुभम ने दिखाई है, दूसरा इसके अलावा आपके जो म्यूज़िक
म्यूजिक सिस्टम है कार का उस पे एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो वायरलेसली हो या फिर वो वायर्ड हो। और आप प्ले कर सकते हैं यूट्यूब के ये देखिए कोई भी वीडियोस। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जो कि है आपके लिए मेरे ख्याल से हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरीके से आप यूट्यूब वीडियोस को प्ले कर सकते हैं अपनी कार के म्यूजिक सिस्टम पे। और मैं थैंक यू बोलता हूँ शुभम को जिसने ये प्रोसेस जो है हमें सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।